मैं और नवीन जी आ गए हैं अंदर फोर्ट में, और यहाँ पर हम उस तरफ से आए हैं तो बाएं हाथ की तरफ, जैसे हम उधर से आए तो बाएं हाथ की तरफ ये है जोगी महल गेट, और यहाँ पर आपको जाने के लिए आपको पहले से सफारी बुक करनी पड़ती है। और ये टाइगर रिज़र्व है, नेशनल पार्क है, और यहाँ इधर राइट में ये रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश आरंभ होता है। ये यहाँ पर बाएं हाथ पर ये इसका स्मारक का पत्थर लगा है। यहाँ से एंट्री हो रही है रणथंभौर दुर्ग में। ये इसकी प्राचीर है, देखिए। इसकी प्राचीर देखिए, ये पत्थर से बनाई गई है और लाइम मोर्टार का यूज़ इसमें किया गया है। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इनमें एक ग्रूव बनाया जाता था, और उसमें इस तरह से लोहे की या तांबे की कोई रोड लगा दी जाती थी, इंटरलॉक कर दिया जाता है पत्थरों को आपस में, ताकि ये खुले नहीं। और ये है नवलखा पोल। पॉइंटेड आर्च है यहाँ पर भी, और इसका जो ये कपाट हैं, बड़े बड़े कपाट, इन पर भाले लगे हुए हैं। ये जो पॉइंटेड एजेस के भाले लगाए जाते हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हाथी इसको तोड़ न पाए। प्राचीन समय में क्या करते थे, जब युद्ध होता था तो दुर्ग को घेर कर और उसके द्वार को तोड़ा जाता था। द्वार को तोड़ने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता था, तो हाथी जब इसमें टक्कर मारे तो उसके सिर में ये चुभ जाए और वो इसको तोड़ ना पाए, इसलिए इन भालों का प्रयोग दुर्ग के कपाट में किया जाता है। अंदर की तरफ से इस गेट को देखें तो इधर भी पॉइंटेड आर्च है, और आप इसकी छत देख सकते हो, ये सिंगल एक बीच में स्लैब बड़ी सी पत्थर की डाली हुई है, और उसके ऊपर फिर दोनों तरफ पट्टियां हैं पत्थर की। तो आगे हम चलते हैं दुर्ग में। यहाँ दाएं हाथ पर ये एक भवन है जिसमें तीन द्वार हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो प्राचीन समय में भवन हो या फिर गर्डर्स हो, उनकी संख्या जो थी वो एक हो सकती है और तीन हो सकती है, दो नहीं होती कहीं पर भी। तो देखिए आगे चलते हैं इसमें दुर्ग में। सामने ये जो चट्टान है, ये आग्नेय शैल है, इट इज़ इग्नियस रॉक, और आगे लिखा है हमारी विरासत हमारा गौरव बाई ASI। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो द्वार है इसका नाम है हाथी पोल, ये भी पॉइंटेड आर्च में बना है। देखिए पहले एक स्लैब डाली गई स्तंभों के ऊपर, उस स्लैब के ऊपर
फिर दीवार करके और रिलीवर आर्च की फॉर्म में ये पॉइंटेड आर्च डाली गई है। अब देखिए चूल की हम बात कर रहे थे, तो चूल का उदाहरण आप देख सकते हो, ये जो कपाट है ऊपर से देखने पर आप इसका महत्व समझ सकते हो कैसे चूल काम करती है। ये कपाट का ही एक पार्ट है, गोलाई में वो घुसा हुआ है उस चूल में, और नीचे भी ये यहाँ पर चूल हुआ करती थी, अब नहीं है। ये कपाट जो है ये थोड़ा डैमेज हो गया है, इसमें भाले नहीं लगे हैं। इसका इससे पहले जो द्वार था उसमें यहाँ पर भाले लगे हुए थे, वो हाथी से बचाने के लिए, हाथी इसको तोड़ न दे, क्योंकि जब आक्रमण होता है तो हाथी से द्वार को तोड़वाया जाता है। तो ये हाथी पोल है इस गेट का नाम। अंदर से देखने पर इधर भी देखिए पॉइंटेड आर्च है, पांचवी सदी का बना है ये दुर्ग। तो पांचवी सदी अब चल रही है 21वीं सदी, तो हो गए लगभग 1500 वर्ष। अब आएगा चौथा द्वार, और इस चौथे द्वार का नाम है गणेश पोल। इसमें जो पॉइंटेड आर्च बनाई गई है उसकी शैली आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। और ये फिर से वही भाले जो हाथी से सुरक्षित रखने के लिए कपाट में लगाए जाते हैं। ये अंदर से द्वार, ये छत क्यों डाली जाती है, द्वार ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पुराने समय में कपाट जो होते थे ये कपाट लकड़ी के बने होते थे, और वर्षा से इनको बचाने के लिए ऐसा द्वार बनाया जाता था कि ये दो स्तंभ इधर बनाए, दो स्तंभ अंदर की ओर, और फिर उसके बाद ये छत डाल दी जाती थी। इस द्वार के ऊपर जाने का रास्ता देखते हैं। जो भारतीय दुर्ग हैं उनमें आपको इसी तरह की शैली देखने को मिलेगी कि स्तूप पर कैसे दूर तक नज़र रखी जाए और कैसे उस पर प्रहार आक्रमण किया जाए। देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है जलाशय, और इससे आगे भी कुछ सीढ़ियां हैं, ये देखिए नीचे तक, अगर वहाँ भी स्त्रू है, वहाँ तक पहुँच चुका है, तो उसको कैसे पीछे हटाया जाए। ये देखिए कुछ खंडित हो चुके हैं किले के अवशेष, किले की प्राचीर, और हर एक कोने से स्त्रू पर नज़र रखी जा सकती है, उस पर प्रहार किया जा सकता है। और घाटी का बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों, ये रणथंभौर एक रिजर्व एरिया है, राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर बाघों के लिए संरक्षित एरिया है। यहाँ पर आप
सफारी का आनंद ले सकते हैं, जंगल सफारी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इस गेट का नाम है अंधेरी गेट, और इसमें भी देखिए ऊंचाई पर भाले लगे हुए हैं, वही सेम पर्पज़ है इनका, हाथी से गेट को टूटने से बचाने के लिए। ऊपर दो तीन लिंटल डाले गए हैं। देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वैदिक आर्किटेक्चर में दो संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता, लिंटल या कड़ी में या फिर बीम में। तो यहाँ पर दो में काम चल जाता, फिर भी ये तीसरा यहाँ पर स्लैब डाला गया है संख्या को पूरा करने के लिए। यहाँ पर ये द्वार की चूल बची हुई है, इसमें द्वार लगा होता था कपाट, ऊपर वाली चूल भी टूट चुकी है, और ये भी पॉइंटेड आर्च में ये द्वार बनाया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक सुरंग जैसा यहाँ पर, और देखिए कितनी पॉइंटेड आर्च है, 1 2 3 4 5 6 7 सात आर्चेज यहाँ पर बनाई गई हैं। और आप छत देख सकते हो कितनी सुंदर छत, यहाँ पर पॉइंटेड डोम की फॉर्म में ये छत बनाई गई है। ये शिलाखंड शिला है जिसके ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है, और अब हम समतल पर आ गए हैं। यहाँ समतल किया गया है इसको, पठार की फॉर्म बनाई गई है। ये जो प्लास्टर है ये लाइम में किया गया है प्लास्टर। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा खंडित सा है, इनकी छत खंडित हो चुकी है। एक बार चल के देखते हैं कैसे कक्ष है ये। और देखिए तीन द्वार हैं, आपको तीन द्वार अक्सर हर स्थान पर मिल जाएंगे जो भी पुराने भवन हैं उनमें। और ये कर्व वाली पॉइंटेड आर्च है जिसमें कई कर्व दे रखे होते हैं। और छत देखिए लकड़ी और उसके ऊपर पत्थर और लाइम मोर्टार। कितनी नीचे लिखा था 5वीं सदी में बना था ये, हो सकता है ये वाला बाद में बनाया गया हो, फिर भी ये अति प्राचीन है। ये लिंटेल डाला गया है, यदि आरसीसी होता तो ये 50 वर्ष में समाप्त हो गया होता, परंतु ये पूरे के पूरे पत्थर को कार्व करके स्लैब पूरी निकाल के और तब लगाया गया है, तो इसलिए ये 1500 वर्ष तक भी टिका हुआ है। और अंदर की छत पूरी लंबी स्लैब डाली गई है पत्थर की। इधर ही एक छोटा सा कक्ष है, एक बार देखते हैं नंबर ऑफ स्टेयर्स। एक ये दबी हुई है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए इसमें चूल है यहाँ पर, ये चूल इसकी आई थिंक यहाँ साइड में कुछ रेलिंग लगाई गई होगी, उसके लिए ये चूल इनमें पत्थरों में बनाई गई है। ये पूरा स्लैब डाला गया है, इसकी छत भी खंडित हो चुकी है, लकड़ी की छत थी यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये छिद्र जो है ये कड़ियों के छिद्र हैं यहाँ पर।
चलिए यहाँ से निकलते हैं, आगे देखते हैं। दो मार्ग हैं यहाँ पर, एक बाएं हाथ पे एक दाएं हाथ पे। पहले दाएं वाला कवर कर लेते हैं। देखिए पत्थर की जाली टूटी हुई है और उधर भी एक कक्ष है। और यहाँ ये भवन है, स्लैब्स पट्टी डाली गई है पत्थर की। ये कड़ी समाप्त हो चुकी है। कड़ियों से छत बनी है। पत्थर के छोटे टुकड़े रखे गए हैं कड़ियों के ऊपर। और ये देखिए यहाँ अलमारी है। तीन द्वार है, यहाँ भी अलमारी है। ये कोई स्टोर रूम जैसा लगता है, बेड्स उसमें घुसे हुए हैं। तो ये देखिए पत्थर को कार्व किया गया है, तराशा गया है और उसके ऊपर ये आर्चेस बनी हुई है। और ऊपर भी एक तल है इसका। खंडित है ये पूर्ण रूप से। इधर कक्ष है, ये दृश्य रणथंभौर नेशनल पार्क का। यहाँ से तो भूल भुलैया जैसा ये बनाया गया है। घर ऐसा ही बनाना चाहिए, भूल भुलैया सा, शत्रु को पता ना चले आप कहाँ से आकर प्रकट होके उसका वध कर दो। और आगे चलते हैं।